नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सौटा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, क्लाउड 9 हॉस्पिटल, सेक्टर 47 से आज आपको एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ जो कि आजकल थोड़ा ज्यादा कॉमन हो गया है। ये कॉम्प्लिकेशन है, आपने सुना होगा जब आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके बेबी के अराउंड का पानी फ्लूइड जो है वो कम हो गया है। अब ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में होता है, लेकिन मैं सारी आपको नहीं गिना सकती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ। पानी कम होने का सबसे मेन कारण होता है कि जो प्लेसेंटा है, बेबी का जो फीडिंग ऑर्गन होता है, जो ओर नाल बेबी की होती है, उसमें सर्कुलेशन अगर कम हो जाए, ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए, सर्कुलेशन कम हो जाए, तो उस परिस्थिति में बेबी के सैक में जो पानी बनना है वो कम हो सकता है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि मदर को कोई ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, जैसे जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो जाए प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी पानी अंदर, बेबी के अंदर फ्लूइड कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा डेंजरस कारण ये होता है कि बेबी की जो किडनीज हैं वो ठीक से डेवलप ना हुई हो और बेबी ठीक से यूरिन नहीं पास कर रहा है। बेसिकली जो फ्लूइड अराउंड द बेबी है वो क्या है, वो बेबी का यूरिन ही तो है। तो अगर बेबी की किडनीज ठीक से नहीं बनी हो और बेबी ठीक से यूरिन नहीं पास कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी अंदर थैली में पानी कम हो सकता है। और चौथी परिस्थिति ये हो सकती है जब पानी छूट जाए या पानी की थैली फट जाए प्रीमेच्योरली जल्दी, और पानी थोड़ा थोड़ा रिस रिस के और पानी कम हो जाए थैली के अंदर। अब अगर ये पानी जो है ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में कम हो जाए, जैसे कई बार ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कम हो जाता है, 16 हफ्ते पे भी लीकिंग हो जाती है या कम हो जाता है, तो 16 हफ्ते से और 20 हफ्ते तक अगर पानी कम हो जाता है तो चांसेस है कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल खराबी तो नहीं है, ये देखना जरूरी है, या बेबी के किडनीज खराब तो नहीं है, ये देखना जरूरी है। अगर उसके बाद पानी कम होने लगता है तो चांसेस है कि मदर को हाइपरटेंशन हो रहा हो, या प्लेसेंटा में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो चोक हो रही हो किसी वजह से, वो रीजन हो सकता है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में पानी कम होता है तो चांसेस है कि पानी छूट गया है और थोड़ा थोड़ा लीक होकर के और खत्म हो गया है, इसीलिए पानी कम हो गया है। बट पानी खत्म होना एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार हमें डिलीवरी बहुत जल्दी करनी पड़ती है। पानी रिकवर होता है कि नहीं होता है ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से कम हुआ है। अगर हाइपरटेंशन है तो कई बार हाइपरटेंशन करेक्ट करके पानी बढ़ाया जा सकता है। अगर सिर्फ एक वायरल फीवर आया है जिसकी वजह से पानी कम हो गया है, तो जैसे ही वो फीवर ठीक होता है वो पानी रिकवर हो जाता है। अगर बेबी में कोई किडनी में खराबी है जिसकी वजह से पानी कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस पानी को हम रिकवर नहीं कर सकते, वो बेबी ही आगे जाकर के सर्वाइव नहीं करेगा, तो हमें टर्मिनेट करनी पड़ती है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में पानी छूट गया है जिसकी वजह से लीकिंग हो रही है और पानी कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है हमें सिजेरियन करके इस बेबी को जल्दी निकालना पड़े। तो किस सिचुएशन में किस स्टेप पे पानी कम हुआ है और किस कारण से पानी कम हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि इस पेशेंट को मैनेज कैसे कर सकते हैं।